हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैक्रेम बास्केट झूला। उसके लिए हमें यहाँ पर 5 कलर के धागे चाहिए। यहाँ पर हमने कलरफुल धागे ले लिए हैं अपने। उसके लिए हमें एक बास्केट भी चाहिए। दोस्तों, ये बास्केट आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमने मीडियम साइज लिया है। हमें यहाँ पर 3 रंग के मोती भी लिए हैं। चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपने धागे को 2 मीटर का काटा है। सबसे पहले हम एक होल में से धागा निकालेंगे और सिंपल नोट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सिंपल नोट लगा लिए, क्योंकि ये धागा थोड़ा सिल्क में है, इसलिए फिसलता है। अब हम यहाँ पर अपने धागे को होल में से निकालना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर धागे को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, वरना तो आपकी ये जाली जो है ये टूट सकती है, इसलिए हल्के हाथ से हम यहाँ पर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक बार निकाला है। ऐसे ही हम अपने धागे को एक होल में से 3 बार निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 बार निकाल लिया है। फिर हम उसके साइड में से निकालेंगे धागे को, और ऐसे ही हम अपनी ऊपर वाली लाइन को कवर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक होल कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम बाकी होल में भी निकालेंगे। ये देखिए, ये डिज़ाइन हमारा अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी। हमको ऐसे ही करते जाना है अपने सभी होल में। ऐसे ऐसे ही धागे को निकालना है, पूरा पूरा राउंड कर देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, एकदम इक्वल है। लास्ट में हमको इसको चिपका देना है लाइट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना सेकंड धागा लिया है। अब हम ये अपनी दूसरी लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर 2 होल बीच में छोड़ देंगे, फिर तीसरे होल में से निकालेंगे और हम एक सिंपल नोट लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर 3 बार निकालेंगे यहाँ पर भी अपने धागे को।
हमको यहाँ पर हल्के हाथ से खींचना है अपना धागा। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दो होल में तीन तीन बार अपने धागे को निकाल लिया है। ऐसे ही हम अपनी सेकंड लाइन को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमने सेकंड लाइन अपनी कंप्लीट कर दी है। फिर हम अपना थर्ड कलर का धागा लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम अपना थर्ड धागा जब लगाएंगे तो उसमें भी दो होल हम बीच में छोड़ेंगे। यहाँ पर भी हमने दो कल अपने होल छोड़े हैं बीच में। यहाँ पर हम इस धागे को अपने एक कोने को लाइटर से चिपका सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी नोट नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया है। यहाँ थर्ड लाइन में हमको एक ध्यान रखना है, यहाँ पर थर्ड लाइन में जब हम अपने धागे को निकालेंगे तो उसको हम बस दो बार ही निकालेंगे, क्योंकि हम जैसे नीचे जाते हैं तो होल वो थोड़ा सा छोटा होना शुरू होता है। इसलिए हम यहाँ पर नीचे में दो बार निकालेंगे अपने धागे को। ये देखिए दोस्तों, अब ऐसे ही हम ये वाला कलर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अपना तीसरा कलर भी ऐसे ही लगाएंगे। जैसे हमने ये ऊपर वाला कंप्लीट किया है, ऐसे ही हम नीचे करेंगे, फिर उसके नीचे भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने चार कलर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट कलर बचा हुआ है, उसको हम नीचे में लगाएंगे। यहाँ हमने बीच में एक होल कर लिया है।
जिससे हमारा ये धागा आसानी से निकल जाएगा। हम यहाँ पर सेंटर से निकालेंगे धागा, और सेंटर से निकालने के बाद में हम ये सारे होल छोड़ के सबसे ऊपर वाले होल से निकालना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको अंदर की साइड ऐसे ही चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया है। यहाँ पर हमने इसको दूसरे वाले अपने धागे के सिरे को नुकीला कर लिया है थोड़ा सा जला के, ताकि वो आसानी से निकल सके। हम यहाँ पर फिर से अपने धागे को 3 बार निकालेंगे एक जाली से। ये देखिए हम एक बार और यहाँ से निकालेंगे, इक्वल इक्वल करते जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हम अपनी साइड वाली जाली के अंदर से भी ऐसे ही निकालेंगे धागा, और ऐसे ही हम अपनी पूरी तले को ऐसे ही कवर कर देंगे। ये सब होल में से हम ऐसे ही निकालेंगे 3-3 बार करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपनी जाली को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इसका लुक एकदम अच्छा आ रहा है, दिखने में एकदम अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पर बीट्स लगाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे ऊपर में डार्क कलर रखेंगे ताकि अलग से दिखाई दे। सबसे पहले हम अपने धागे को एक तरफ से चिपका लेंगे। हमने यहाँ पर सेम कलर का धागा लिया है। एक बीट्स हम डालेंगे धागे में और फिर नेक्स्ट वाली जाली के अंदर से निकालेंगे, साइड वाली जाली से निकालेंगे
और फिर उसके अगली वाली जाली से अंदर से निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम अपने हर होल में ऐसे ही मोती लगाते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे ही हम अपनी पूरी लाइन को कवर करेंगे। राउंड राउंड करके हम इसको लगा देंगे पूरे में। यहाँ देखिए हमारी ये फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हम बीच में लगाएंगे, बीच में भी हम एक डार्क कलर का मोती रखेंगे। यहाँ पर हमें ये एक्स्ट्रा धागा काटेंगे और इसको चिपका देंगे। ये देखिए अब हम सेकंड वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर के धागे को भी अंदर से चिपका देना है। अब हम यहाँ पर धागे का दूसरा सिरा लेंगे और उसको लाइटर से हल्का सा जलाएंगे और नुकीला कर लेंगे ताकि वो होल के अंदर से आसानी से निकल जाए। अब हम यहाँ पर मोती डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पिंक कलर का मोती लिया है। हम यहाँ पर भी ऐसे ही निकालेंगे अपने नेक्स्ट वाले होल से और एक एक करके मोती डालते जाएंगे। मोती को हम हल्का सा लूज छोड़ेंगे। इसी तरह से हमें अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर अपनी थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे। हम इस वाले धागे को भी अंदर से चिपका देंगे। यहाँ पर हम व्हाइट कलर का मोती डालेंगे। व्हाइट कलर का मोती अलग से दिखाई देगा, उसीलिए हमें अपने कलर कॉम्बिनेशन को एकदम अच्छे से दिखना है। यहाँ भी हम ऐसे ही लगाते जाएंगे अपने मोती। ये देखिए
ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे में अपनी लाइन को ऐसे ही कवर कर देंगे, चारों तरफ लगा देंगे हम वाइट मोती। ये देखिए यहाँ पर हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ये बास्केट बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने एक रिंग लिया है, 1.5 इंच का हमने यहाँ पर रिंग लिया है और 4 कलर के हमने यहाँ पर धागे लिए हैं, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर। हम अपने दोनों धागों को इक्वल करेंगे और अपने रिंग में डाल देंगे। ऐसे ही दूसरे धागे को हमें भी ऐसे डाल देना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से नोट लगाते जाएंगे, लेफ्ट वाले धागे को ऊपर रख के राइट वाले धागे को हमें लेफ्ट धागे से निकाल देना है और ऐसे ही हमें बार बार करना है। ये देखिए ऐसा करने से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए एक ही साइड से हमें धागे को निकालना है हमेशा। ये राउंड होते चले जाएगा। ये देखिए दूसरे में भी हमें ऐसे ही बना देना है डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन हमें बनाना है। दोनों धागों का हमें एक एक कलर का धागा लेना है, बीच में सेंटर में रखना है। ये देखिए हमने दूसरे में भी ऐसे ही बना देना है डिज़ाइन। यहाँ पर हम मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। मोती लगाने के बाद हमें यहाँ पर 2 बार नोट लगानी है, उसके बाद हम अपना सेकंड कलर का मोती लगाएंगे। सेकंड कलर का मोती लगाने के बाद भी हमें यहाँ पर 2 नोट लगानी है, फिर हम अपना वाइट कलर का मोती डालेंगे और उसके नीचे भी हम ऐसे ही बनाना स्टार्ट करेंगे। दोनों को इक्वल कर देना है हमें। ये देखिए हमने यहाँ पर बनाकर दोनों को इक्वल कर दिया है।
इसकी लेंथ हमें आप अपने झूले के अकॉर्डिंग ही रखनी है, अपने झूले को जितनी आप लंबाई देना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने अपना ये बना कर तैयार कर लिया डिज़ाइन। अब हम यहाँ पर तीन कलर के धागे लेंगे अपने, और ऊपर से अपने रिंग को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक को सिरे को चिपका देंगे तीनों धागे के, उसके बाद हम तीनों धागों को एक साथ में लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको सिंपल तरह से ही लपेटा है, और हम ऐसे ही अपने पूरे रिंग को कवर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम अपने अपने पूरे रिंग को लपेट दिया है। अब हम ये एक्स्ट्रा धागा अपना काट देंगे। ये अच्छे से कवर हो गया है। फिर हम ये लाइटर से चिपकाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये रिंग भी बनकर तैयार हो गया। अब हम अपनी डोरी को अपनी बास्केट में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर हम अपने मोती काउंट कर लेंगे, और इक्वल इक्वल दोनों तरफ से सेंटर में अपनी डोरी लगाएंगे। यहाँ बीच वाली दो डोरी को हमें अपने होल से निकाल देना है। फिर हम यहाँ पर एक सिंपल नोट लगाएंगे, जिसे लूज ना हो। ये देखिए यहाँ पर हमने नोट लगा लिया है। फिर हम अपने इन दोनों धागों को चिपका देंगे साइड में। ये देखिए हमने यहाँ पर अपने दोनों धागों को चिपका दिया है। अब बाकी बचे हुए दो धागों में हम मोती डालेंगे। फिर हम इन दोनों धागों को आपस में ज्वाइंट करेंगे।
अच्छे से हमको इसको जॉइंट कर देना है ताकि ये खुले ना। ये देखिए अब ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली डोरी को भी ऐसे ही जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम मोती काउंट कर लेंगे, हमें बिल्कुल उसके सामने ही लगाना है इक्वल इक्वल करके। यहाँ भी हम ऐसे ही दो धागों को अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ भी हम ऐसे ही नोट लगाएंगे। फिर हम अपने इन दोनों धागों को चिपका देंगे ऐसे ही। फिर हम यहाँ पर मोती डालेंगे। अब हम इन दोनों धागों को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये बास्केट झूला तैयार हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमारा झूला बनकर तैयार हो गया है।